गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण से पद पद की परिभाषा बताऊंगा। परिभाषा है, जब कई शब्द मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं एवं अपना खुद का कुछ अर्थ रखते हैं, ऐसे शब्द समूह को पदबंध कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, वाक्यांश होता है अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। जैसे देखिए, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैटरीना के चर्चे हैं, तो आप देखिए जब हम इसको इमारत लिखेंगे, इसको नहीं मिलाते हमारा ये वाक पूरा नहीं होता। जब हम इसको ऐड करते हैं, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो हमारा वाक्य अधूरा रह जाएगा। ये हमारा जब हम नीचे का वाक्य इससे जोड़ेंगे, जिसे बोल रहे हैं कि उपवाक्य, ये ऊपर वाला वाक्य नीचे वाले वाक्य पे निर्भर है, उपवाक्य पे निर्भर है। अगर मैं इसको नहीं लेते तो ये वाक्य हमारा अधूरा रह जाएगा। इसको लेने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये वाक्य पूर्ण होता है। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैटरीना के चर्चे हैं, अब हमारा वाक्य क्लियर हो गया, पूरा स्पष्ट हो गया मेरी बात को करना चाह रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र क्या कुछ समझ में आया? क्या अच्छा है, बुरा कुछ समझ में आया? लेकिन हम उसके आगे जैसे हम लगा देते हैं जीत गया, तो हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। क्लियर? अब इसके बेटा पांच प्रकार होते हैं, पदबंध के पांच प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया, जिसका हम यहाँ पे एक उदाहरण देखिए। आप देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे ना एक हमारा संज्ञा है, लेडी संज्ञा है, तो हमारा एक संज्ञा पदबंध है। कैसे होगा? ना पंक्ति नदी में डूब गए, संज्ञा पदबंध है हमारा एक, और एक भी संज्ञा है हमेशा। अब देखो दूसरा है सरनाम, हमेशा सरनाम है, हमेशा शोध करने वाला हुआ बालक आज शांति। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे है विशेषण, गरजते बरसते में बादल विदा हो गए। क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण, विशेषण। अब है खोल, वह दौड़ते दौड़ते थक गया। यहाँ पे हमारा क्या है? क्रिया विशेष। क्या है? क्रिया विशेष। अब लास्ट आपका है क्रिया, क्रिया पदबंध, पतन हवा में उड़ती चली। तो हमारा क्या क्या हो गया? क्रिया पदबंध। आगे का व्याकरण हम अगले वीडियोज में आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए।